आज शाम को दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी, अरुण गोविल की किस्मत दांव पर है। ये राजस्थान की जालौर सिरोही लोकसभा सीट है। अशोक गहलोत की बहू हिमांशी गहलोत ट्रैक्टर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मथुरा से हेमा मालिनी की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, राजीव चंद्रशेखर और मेरठ से अरुण गोविल जैसे दिग्गज उम्मीदवारों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 89 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि दोनों राज्यों में कहां कहां पर पीएम मोदी का रोड शो होगा और कहां पर जनसभा होने वाली है। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पीएम मोदी दोनों राज्यों में इन सीटों के लिए आज आखिरी बार चुनाव प्रचार करेंगे। आज पीएम भोपाल में रोड शो करेंगे। 1 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 200 मंच लगाए जाएंगे। इसके अलावा सागर और बैतूल के हरदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी एक चुनावी रैली करेंगे। 23 अप्रैल को भी वो छत्तीसगढ़ में थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों पर आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। अमित शाह और राहुल गांधी की आज अमरावती में जनसभा भी है। नवनीत राणा और बलवंत वानखेड़े का मुकाबला। चौबीस अप्रैल को महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। इनमें 5 सीटें पश्चिमी विदर्भ की हैं। इस इलाके में दलित, मुस्लिम और कुनबी यानी डीएमके फैक्टर काफी अहम है। दोनों गठबंधन ने जाति फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। राहुल गांधी आज अमरावती लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े के लिए जनसभा करेंगे। वहीं अमित शाह भी अमरावती में रहेंगे। अमरावती की सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। बीजेपी की टिकट पर नवनीत राणा यहां से चुनाव लड़ रही हैं। इधर प्रियंका गांधी आज वायनाड में राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। वायनाड में आज शाम प्रचार खत्म हो जाएगा। केरल के वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। 26 अप्रैल यानी दूसरे चरण में सीट पर वोट डाले जाएंगे। 2019 में राहुल गांधी ने इस सीट से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार मुकाबला थोड़ा कड़ा माना जा रहा है। वायनाड से सीपीआई ने एनी राजा को राहुल गांधी के खिलाफ उतारा है। एनी सीपीआई पार्टी महासचिव डी राजा की पत्नी है। सीपीआई इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन केरल में कांग्रेस के खिलाफ है। वहीं बीजेपी ने केरल में पार्टी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पिछली बार बीजेपी ने राज्य में लगभग क्लीन स्वीप किया था। इस बार मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने प्रदेश के 28 में से 25 सीटें जीती थी। कर्नाटक में इस बार बीजेपी को अपना रिकॉर्ड दोहराने की बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव में हार और पार्टी के भीतर बगावत बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। कर्नाटक में सर्वाधिक आबादी लिंगायतों की है, तो दूसरे स्थान पर वोकालिगा समुदाय है। जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा वोकालिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए पार्टी ने जेडीएस से हाथ मिलाया है। कर्नाटक में ये दोनों समुदाय मिल जाएं तो किसी की भी सरकार बना सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के भागलपुर और मधुबनी में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार की लोकसभा सीट पर आज शाम से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इनमें से सभी सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, और उनके सामने हैं इंडिया अलायंस से कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 2 उम्मीदवार। 2 सीटों पर कांग्रेस का जेडीयू से सीधा मुकाबला होगा, जबकि 1 सीट पर जेडीयू का मुकाबला आरजेडी से होगा। वहीं पूर्णिया में पप्पू यादव और किशनगंज में एआईएमआईएम की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। इस मुकाबले में इंडिया अलायंस थोड़ी मुश्किल में है। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में रोड शो किया। इस दौरान पूर्णिया की सड़कों पर आरजेडी समर्थकों का बड़ा हुजूम नजर आया। तेजस्वी यादव के रोड शो में लोगों ने जेसीबी मशीनों पर खड़े होकर फूलों की बारिश की।
रोड शो में तेजस्वी यादव के साथ सांसद मनोज कुमार झा और विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी शामिल हुए और पार्टी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट मांगे। रोड शो में उमड़ी भीड़ से तेजस्वी यादव उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि पूरा सीमांचल वो जीत रहे हैं। जो हार में लोग बौखला चुके हैं पूरी तरीके से और एक तरफा माहौल है, पूरा सीमांचल के इलाका में लोग जीत रहे हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक से फिर कांग्रेस पर मंगल सूत्र को लेकर हमला किया। आइए आपको दिखाते हैं कि यहां पर पीएम ने क्या कहा। तो एक्सरे करेंगे कि भाई दो घर है, एक वापस दो सरकार को दे दो, बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगल सूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। इधर महिलाओं के मंगलसूत्र पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मंगलसूत्र पर अनैतिक बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जब देश युद्ध लड़ रहा था, इंदिरा जी ने अपना मंगलसूत्र व गहने दान किए थे। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है। पिछले दो दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की रही है। कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। केरल के वायनाड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मैनिफेस्टो को लेकर पीएम को जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो में सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि सबकी बात की गई। वी आर डूइंग फॉर ऑल, द मैनिफेस्टो इज फॉर पुअर, फॉर यूथ, फॉर फार्मर्स, फॉर लेडीज, फॉर एवरीबडी। सिंपली इज डिवाइडिंग द सोसाइटी। ही वॉन्ट टू टेल हिंदू, ही वॉन्ट टू क्रिएट हिंदू मुस्लिम। युवा न्याय इज फॉर ऑल, नारी शक्ति इज फॉर ऑल, इट इज नॉट ओनली मुस्लिम। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं वो उनकी हत्या करना चाहते हैं। বিজেপির এক গদ্দার বললেন, বোমা ফাটাবো। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির ওপর রাগ হয় তো মেরে দে। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি, ধরে ফেলেছিলাম আমরা, কিভাবে করেছিলি? তার বাড়ি পর্যন্ত রেকি করেছে, ফেস টাইমে ফোন করেছে, আপনার সাথে বাত করনে চাতি হু বলে সময় দিলেই গুলি করে দিয়ে পালিয়ে যেত। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में लगातार बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर और तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए, इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। ये खबर आ रही है, 25 अप्रैल को कन्नौज से नामांकन कर सकते हैं, सोर्सेस से यह जानकारी मिल रही है।
यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार चुनाव में सपा ने इस सीट पर तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कन्नौज से अब अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज के समाजवादी पार्टी के नेताओं की जिद के बाद अखिलेश अपना फैसला बदल सकते हैं। सोमवार को ही उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से पार्टी का टिकट दिया था। तेज प्रताप को आज ही नामांकन करना था, लेकिन अब ये टल गया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव 25 अप्रैल को कन्नौज से नामांकन कर सकते हैं। यूपी की कैसरगंज सीट पर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इसको लेकर उठ रहे सवालों पर बृजभूषण शरण सिंह ने क्या जवाब दिया, ये आप सुनिए। देखिए, पार्टी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि कैसरगंज में एक दिन पहले भी जिस प्रत्याशी को उतारेंगे वो भारी बहुमत से जीत करके आएगा। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आश्वस्त हैं। पार्टी ही तय करेगी प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन उसमें मैं एक दावेदार हूं, लेकिन पार्टी को तय करना है प्रत्याशी कौन होगा, और जो भी प्रत्याशी होगा बड़ी दमदारी से चुनाव जीत करके जाएगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। जहां हिंसा हुई वहां चुनाव ना कराने पर विचार करे आयोग, ये हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी है। एनआईए करे रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी। बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जहां पर हिंसा हुई है वहां इलेक्शन कमीशन चुनाव ना कराने पर विचार करे। कोर्ट ने रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच एनआईए से कराने को भी कहा है। वहीं कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ममता के आदेश पर पुलिस प्रशासन की मदद से तृणमूल नेताओं ने हिंसा भड़काई। बता दें कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोग जख्मी हुए थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी का जवाब दाखिल होगा। 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। सीएम केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब आज ईडी शीर्ष कोर्ट में दाखिल करेगी। इसके साथ ही केजरीवाल को 27 अप्रैल तक ईडी के जवाब पर अपना जवाब देना होगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर का सर्वे कर रही एएसआई की टीम ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है और इसमें सर्वे के लिए कुछ और वक्त की मांग रखी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर धार के भोजशाला परिसर में एएसआई करीब एक महीने से सर्वे कर रही है, लेकिन एएसआई ने सर्वे के लिए अदालत से कुछ और दिन की मांग की है। एएसआई ने हाईकोर्ट से 8 हफ्तों की मांग की है, जिसमें भोजशाला परिसर की संरचनाओं की प्रकृति को समझने के लिए कुछ और समय चाहिए। हाईकोर्ट ने भोजशाला विवाद के मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख पहले ही तय कर रखी है। इस तारीख के दिन एएसआई की ताज़ा अर्जी पर भी सुनवाई हो सकती है। बता दें कि एएसआई ने 22 मार्च को इस विवादित परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया था, जो लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। 30 सेकंड में देखिए। मध्य प्रदेश पुलिस ने जिन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है वो सभी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जग्गू भगवानपुरिया के 3 शार्प शूटर हैं। तीनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। आरोपी अमृतसर में बड़ी गैंग वॉर को अंजाम देने के लिए हथियार खरीदने मध्य प्रदेश आए थे। तीनों अपने मंसूबों को पूरा कर पाते उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस इनसे और पूछताछ कर रही है। वेपन्स ले जा रहे थे, कहीं ना कहीं गैंग वॉर के चलते ही वेपन्स को ले जा रहे थे। कुल मिलाकर 2 पिस्टल, 2 कट्टे और 3 जिंदा राउंड मिल चुके हैं। अमृतसर पुलिस को खबर कर दी गई है और यहां मैदान में कार्रवाई की जा रही है। अबाद बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों के हौसले की, जिसकी वजह से एक महिला को दूसरी जिंदगी कैसे मिली, ये रिपोर्ट आप देखिए। रास्ते पर बर्फ जमी है, पांव का टिकना मुश्किल है, बर्फ के बीच हिम्मत भी जम जाए, ऐसे में एम्बुलेंस को रास्ता दिखाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं। जोजिला क्षेत्र में हुए भूस्खलन के बाद जवानों के सामने एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक ले जाने की चुनौती थी। बर्फ से फिसलन भरे रास्ते से निकलना मुश्किल था, लेकिन बीआरओ के जवानों ने असंभव को संभव कर दिखाया। सोनमर्ग की इस तस्वीर की लोग सराहना करते थक नहीं रहे। बीआरओ के इन जवानों को सलाम है, जिनके बुलंद इरादों के आगे पहाड़ क्या, कदमों में झुकता आसमान है।
और अब अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में खिड़की एक्सटेंशन में बड़ा हादसा हो गया। तेज आंधी की वजह से दीवार गिर गई जिसमें 8 लोग घायल हो गए। दिल्ली NCR में मंगलवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत तो जरूर मिली, लेकिन मालवीय नगर में खिड़की एक्सटेंशन में दीवार गिर गई। इस हादसे में करीब 8 लोग घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। दोपहर तक लोग तेज धूप और गर्म हवा से परेशान थे, लेकिन हल्की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक परफ्यूम बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट आप देखिए। भीषण आग की ये तस्वीरें परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री की हैं। आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके चलते लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन पुलिस के मुताबिक आग किन कारणों से लगी इसका पता भी नहीं चल पाया है। ईरान से तनातनी के बीच इसराइल ने एक बार फिर गाजा को बम गोला बारूद से दहलाया है। और जानते हैं IDF के इस हमले में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, क्योंकि इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक ताबड़तोड़ अंदाज में एयर स्ट्राइक की, वो भी गाजा में मौजूद अस्पतालों में। आखिर कितना भयावह था मंजर, देखिए रिपोर्ट। इसराइल ईरान के बीच जंग के हालात तूफान मार रहे हैं। किसी भी वक्त ईरान पर इसराइल पलटवार कर सकता है, भीषण प्रहार कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के एटमी वार्निंग ने अरब में खलबली मचा दी है। मगर इसी बीच नेतन्याहू के गुस्से की भेंट चढ़ गया गाजा, जहां IDF ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के साथ कोहराम मचा दिया। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक के इलाके को बारूद से फाड़ दिया और भीषण नरसंहार को अंजाम दे दिया। वैसे तो इसराइल और हमास के बीच युद्ध बीते 7 महीनों से जारी है, मगर इस बार इसराइल के बारूदी प्रहार से गाजा में हड़कंप मच गया, क्योंकि IDF ने आसमान से इतना बारूद बरसाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जानते हैं इस बार इजरायली सेना के टारगेट पर गाजा में मौजूद अस्पताल, जिन्हें लेकर दावा किया जाता है कि हमास ने इन अस्पतालों को अपना खुफिया अड्डा बना रखा है। गाजा में मौजूद अस्पतालों और हमास के खुफिया ठिकानों पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक इतनी विध्वंसक थी जिसके चलते सैकड़ों लोग मारे गए। बीते 24 घंटे में करीब 1000 से ज्यादा शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। मसलन उत्तरी गाजा के अल शिफा इलाके से 400 शव बरामद किए, वहीं दक्षिण गाजा के नसीर हॉस्पिटल से 200 शव निकाले गए। खान यूनिस अस्पताल के मलबे से 283 शवों को निकाला गया। इसके अलावा सेंट्रल गाजा के अल शबा टावर से 107 शव बरामद किए गए। इसराइल की तरफ से किए गए इस नरसंहार से अमेरिका भी भड़क गया। अमेरिका की ह्यूमन राइट कमेटी ने इसराइल के एक यूनिट पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप तक लगाया। हालांकि इसराइल ने अमेरिका के इस कदम का अपने ही अंदाज में पलटवार किया और जिस यूनिट ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया उससे मिलने इसराइल के रक्षा मंत्री को भेजा। इसराइल के तेवर से साफ है कि वो अब हमास से प्रतिशोध लेकर ही दम लेगा, लिहाजा इस कड़ी में IDF ने खान यूनिस और राफा क्रॉसिंग पर भी हमले तेज कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। 25 अप्रैल को कन्नौज से नॉमिनेशन फाइल भी कर सकते हैं, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। TMC विधायक हमीदुल रहमान को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। चुनाव आयोग ने जारी किया है कारण बताओ नोटिस। हमीदुल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप।
टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। चुनाव आयोग ने जारी किया है कारण बताओ नोटिस। हमीदुल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप।